कुछ दिन पहले मेरे घर के पास एक बैंगलोर के बहुत पॉपुलर ज्वेलर हैं, उन्होंने अपनी एक शॉप खोली। तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि ये देखिए, इन्होंने अपना 7वां शोरूम खोला है या 8वां शोरूम खोला है, इतने सारे शोरूम इन्होंने कैसे खोले, ये लोग कमाते कैसे हैं बेचारे, जितने का गोल्ड आता है उतने का ही बेचते हैं। अब उसमें मैं उनको क्या बताऊं कि आप लोग तो सिर्फ खरीदते हैं, लेकिन पैसे जो देता है उसको मालूम है कि ये लोग कमाते कैसे हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफी स्टडी की, गोल्ड ज्वेलरी में आपके साथ कैसे धोखा होता है, उसके ऊपर मैंने काफी जानकारी इकट्ठी करी, काफी शॉप्स पे मैं विजिट किया। तो मुझे इसमें पता लगा कि 7 कॉमन तरीके होते हैं जिससे आपको चीट किया जा सकता है या आपको धोखा दिया जा सकता है। तो वही 7 पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 7वां जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसें या रोएं या दुख मनाएं या क्या करें, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आपके साथ चीटिंग हुई है और आपको पता भी नहीं लग रहा। तो 7वां पॉइंट आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं 7 पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए और डिजाइन लेटेस्ट होना चाहिए। तो जो स्टोर में एम्प्लॉय, ज्वेलर का जो एम्प्लॉय आपको ये ज्वेलरी दिखा रहा होता है, वो माइंड रीड करने में बहुत अच्छे होते हैं। वो हमेशा जो है महिलाओं को टारगेट करते हैं पिच करने में, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डिजाइन पसंद आ गया, ज्वेलरी पसंद आ गई, तो जो उनके साथ उनके पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, जो भी उनको अकंपनी कर रहे हैं, उनके पास खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर यहाँ पे महिलाएं हैं। तो वो नए नए डिजाइन दिखाएंगे, उसके अंदर जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, मैंने देखा है अगर आप लेटेस्ट डिजाइन अगर ज्वेलर को बोलेंगे तो वहां पे आपका मेकिंग चार्जेस जो है सीधा 20% से 30% जंप हो जाएगा। तो अगर उनको मालूम पड़ा कि ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, तो उस केस में वो आपका मेकिंग चार्जेस कुछ भी रख सकते हैं, 30% रख सकते हैं, 35% रख सकते हैं, मैंने 40% भी देखा है मेकिंग चार्जेस। तो वो बोलेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, हाथ से किया गया है। तो वो काफी कारण आपको बता देंगे कि क्यों वो 40% मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेकिंग चार्जेस जानना इतना आसान नहीं है। अगर आप कोई भी ज्वेलरी देखेंगे उसके ऊपर कभी भी प्राइस नहीं लिखा होता कि कितने की है। मान लीजिए मैंने एक नेकलेस देखा, उसके ऊपर ये नहीं लिखा होगा कितने का है, उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा। अब वो जो कोड है वो सिर्फ जो एम्प्लॉय आपको दिखा रहा है ज्वेलर का, वो ही समझ सकता है कि ये कितने का है। मुझे तो उससे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं जब लास्ट टाइम गया था तो हमने पूछा कि ये कितने का है, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का है। अब मैंने ये पूछा कि आप 1 लाख रुपए का ब्रेकअप बताइए कि 1 लाख में आप किस चीज के कितने ले रहे हैं, कितने तोले सोना है, सोने का क्या वो है रेट है, और उसके अंदर आप मेकिंग चार्ज कितना ले रहे हैं, वेस्टेज कितना ले रहे हैं, तो आप ये मुझे ब्रेकअप दीजिए। तो ब्रेकअप देने के लिए तैयार नहीं थे प्राइस का। उन्होंने कहा कि ये 1 लाख का है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेकिंग चार्जेस है वो आपको इतनी आसानी से बताए नहीं जाते। कुछ ज्वेलर्स हैं वो आपको बता देंगे कि इसमें इतना प्रतिशत मेकिंग चार्ज है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आपको मेकिंग चार्जेस बताए गए तो आप शायद वो ज्वेलरी ना खरीदें। 10-15-20% तक तो ठीक है, लेकिन जहां पे मेकिंग चार्जेस 25%, 30% या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स होते हैं जिनको वो कहते हैं कि लेटेस्ट डिजाइन्स हैं, वहां पे मेकिंग चार्जेस मैंने आपको बताया 40% तक हो सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख का नेकलेस ले रहे हैं, अगर उसमें और कोई चार्ज उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि 40,000 रुपये आप सिर्फ उसको बनवाई के दे रहे हैं। सोने का जो उसमें वैल्यू है वो सिर्फ 60,000 है। तो अब मुझे नहीं पता कि इस केस में ग्राहक क्या रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करे, पर इस चीज का आप ध्यान रखिए कि मेकिंग चार्जेस कितने हैं। तो ये चीज आप जरूर खरीदने से पहले ज्वेलर से पूछ लीजिए कि इसमें मेकिंग चार्जेस कितने हैं, और जो प्राइस आपको बताया जाए उसका कंप्लीट ब्रेकअप आप जरूर जान लें। अब दूसरा पॉइंट है गोल्ड की प्योरिटी। इस केस में काफी ग्राहक मैंने देखा है कि चेक नहीं करते कि गोल्ड कितना प्योर है। अब कुछ केसेस में मैंने देखा कि ज्वेलर आपको बोलेगा कि 24 कैरेट का गोल्ड है जो ज्वेलरी में यूज हुआ है। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 24 कैरेट गोल्ड से आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते, उसमें थोड़ी बहुत खोट होनी जरूरी है। अब खोट जो है उससे वो कैरेट जो है 24 से वो 22 हो जाएंगे। 22 कैरेट का गोल्ड जो है बेस्ट आपको मिल सकता है ज्वेलरी में। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं 24 कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी आपको दे रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती, उसमें थोड़ी बहुत खोट होनी जरूरी है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि वो आपको 18 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट बता के बेच देते हैं। तो यहाँ पे आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, हॉलमार्क ज्वेलरी से आप उसकी प्योरिटी पता लगा सकते हैं, लेकिन काफी कस्टमर्स जो हैं उनको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो इस केस में आपको ये जरूरी है जानना कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है और उसका रेट उसी तरीके से फिक्स होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए गोल्ड का आज 22 कैरेट का रेट 30,000 रुपये तोला है, तो क्या होगा कि 18 कैरेट का रेट हो सकता है 27,000 हो या 28,000 हो या 26,000 हो। तो यहाँ पे अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में, अगर मैं 3 तोले सोना ले रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक मोटी मोटी फिगर है कि 90,000 रुपये तक का मेरा बिल आएगा।
लेकिन यहाँ पे ज्वेलर क्या करता है कि वो आपको 18 कैरेट वाला दे देगा और आपको बोलेगा कि वो मार्क टू मार्क आपको प्राइसिंग कर रहा है, मतलब वो मेकिंग चार्ज नहीं ले रहा, वेस्टेज नहीं ले रहा। तो एक्चुअल में जो आपको 18 कैरेट की गोल्ड मिली उसकी वैल्यू हो सकता है कि कुछ 10-12 हजार रुपये कम हो 90 हजार से, और वो आपको एज ए 22 कैरेट के रेट पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप ये जांच ले कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है और उसका ऊपर हॉलमार्क का साइन है या नहीं, तभी आप उस प्योरिटी के गोल्ड के रेट के हिसाब से ही पैसे दें। अब तीसरे नंबर पे आता है कि जब आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें काफी सारे नग लगे होते हैं, स्टोन्स लगे होते हैं, तो डिजाइन में वो काफी अच्छे लगते हैं, आपको बहुत बढ़िया लगता है, वाह बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान करना भूल जाते हैं कि जब आप वो नेकलेस ले रहे हैं जिसके अंदर ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ये नग लगे हुए हैं, आप उन स्टोन्स के ऊपर गोल्ड का रेट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 15-20 ग्राम, 20 ग्राम का मान लीजिए आपने एक नेकलेस लिया या कोई भी ज्वेलरी ली, उसके अंदर 10% स्टोन्स लगे हुए हैं, तो 2 ग्राम का जो रेट है वो पत्थर के रेट के ऊपर आप सोने का भाव दे रहे हैं ज्वेलर को। ये नुकसान आपको खरीदते हुए नहीं है, बेचते हुए भी होगा। बेचते हुए कैसे? बेचते हुए ज्वेलर बहुत आपके साथ समझदारी करते हैं, वो कहेंगे कि ये जो बीच में ये लगे हुए हैं नग या पत्थर, इनको हम माइनस कर देंगे टोटल वेट में से। तो खरीदते हुए तो वो आपको उन्हीं नग और पत्थरों का रेट जो है वो गोल्ड का चार्ज करते हैं, पर बेचते हुए उसको वो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको डबल नुकसान है। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख की ज्वेलरी ली और उसके अंदर 10% अगर ये नग लगे हुए हैं, तो 10 हजार रुपये आपने खरीदते हुए फालतू दिए और बेचते समय आपको 10 हजार का डायरेक्ट नुकसान है, तो टोटल आपको 20 हजार का नुकसान हो गया इस केस में। तो सीधा सीधा 1 लाख की ज्वेलरी पे आपको 20% यहाँ पे नुकसान है। तो जो ये नग होते हैं या स्टोन लगे होते हैं, आप ऐसी ज्वेलरी ना ही खरीदें तो बेटर है, क्योंकि आप खरीदते समय उसके ऊपर सोने का भाव देंगे और बेचते समय उसका आपको कोई मोल नहीं मिलेगा, तो आपके लिए डबल नुकसान है। अब चौथा पॉइंट आता है वेस्टेज। कई बार वो लोग आपसे वेस्टेज भी चार्ज करते हैं, वेस्टेज कितनी हुई है ये किसी को नहीं मालूम। नॉर्मली ये प्रतिशत 5% से 7% रहता है, कि 5% हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए प्राइस में, वो हमारी वेस्टेज थी। अब वेस्टेज जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, पर कितनी हुई है किसी को नहीं मालूम। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कितनी वेस्टेज उसके अंदर चार्जेस आप दे रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ धोखा होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप अपनी जजमेंट लगाइए कि इस पर्टिकुलर नेकलेस में या इस पर्टिकुलर ज्वेलरी में कितनी वेस्टेज हो सकती है, आप इसके बारे में और जानकारी लीजिए ज्वेलर से, और आप जब संतुष्ट हो जाएं कि हाँ इतनी प्रतिशत वेस्टेज हो सकती है इसको बनाने में, तभी आप उसको एग्री करें, नहीं तो आप एग्री मत करिए। तो यहाँ पे पांचवें नंबर का पॉइंट आता है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो गोल्ड क्वाइन या गिन्नी खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए ज्वेलर से, ताकि उसको आने वाले टाइम में जब उनको ज्वेलरी की जरूरत पड़े या किसी टाइम पे जब मैरिज होगी तब उस टाइम पे वो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, अगर आप जिस ज्वेलर से खरीद रहे हैं उसी ज्वेलर से आप ज्वेलरी बनवा रहे हैं, उसमें भी एक नुकसान है कि जब उस ज्वेलर को पता है कि ये गिन्नी या गोल्ड कॉइन उससे खरीदा गया और आप उसको ज्वेलरी में बनवा रहे हैं, तो वो जितना मेकिंग चार्ज लेना चाहे वो ले सकता है, जितना वेस्टेज लेना चाहे ले सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको डबल नुकसान तब होता है कि जब आपने गोल्ड कॉइन और गिन्नी जो है ली ज्वेलर ए से और आप उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करवा रहे हैं ज्वेलर बी से, तो वो लोग कभी भी उसका पूरा वैल्यू नहीं देते। पूरी वैल्यू आपको उसकी तभी मिलेगी जब आप सेम ज्वेलर से उसको खरीदा है उसी ज्वेलर को आप बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और ज्वेलर को बेच रहे हैं तो वहां पे आप मान के चलिए कि आपको 10-15% का सीधा साधा नुकसान है। तो सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने 10 ग्राम की गिन्नी ली या 20 ग्राम की गिन्नी ली ज्वेलर ए से, तो आज उसका रेट जो है वो मान लीजिए 30 हजार है, तो 20 ग्राम का रेट हुआ 60 हजार, उसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, क्योंकि वो एक टुकड़ा है, तो मैं 60 हजार में लेके आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वही गिन्नी ज्वेलर बी को बेचने जाऊंगा तो मुझे शायद उसके 55 हजार मिले या 56 हजार मिले। अगर मैं उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कराऊंगा जिस ज्वेलर से मैंने खरीदा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को मेकिंग चार्ज और वेस्टेज ज्यादा लगाया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वही गिन्नी से किसी दूसरे ज्वेलर के पास जाता हूँ ज्वेलरी बनवाने में, तो मुझे पहला नुकसान ये होगा कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू मुझे कम मिलेगी, और दूसरा नुकसान होगा कि उसके ऊपर जो मेकिंग चार्ज या वेस्टेज वो जो दूसरा ज्वेलर मुझे लगाएगा वो भी मेरे लिए एक नुकसान है। तो यहाँ पे मेरे लिए डबल नुकसान है। तो आप जो गोल्ड क्वाइन वगैरह अगर आप खरीदते हैं, अगर आपको उनको ज्वेलरी में कन्वर्ट कराना है कभी आगे चल के, तो आप मत खरीदिए। आप इसकी बजाय गोल्ड ETF में पैसा डालिए या गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा डालिए। आपको जब भी ज्वेलरी की जरूरत हो आप उसको बेचिए गोल्ड ETF को और उससे आप ज्वेलरी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप गिन्नी लेते हैं या गोल्ड क्वाइन लेते हैं तो आपको उसमें नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो छठा पॉइंट ये है कि जब आप ज्वेलरी को बेचने जाते हैं
वैसे तो भारत देश में हमारे पास जो भी ज्वेलरी है उसके साथ इमोशनल वैल्यूज अटैच हैं। मेरी मम्मी के पास, मेरे दादी जी के पास, परदादी की, तो वो सब ज्वेलरीज आगे आगे खानदान के साथ आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो परदादी ने दादी को दी, दादी ने मम्मी को दी, मम्मी अपनी बहू को देंगी, तो इस तरह से वो चलता रहता है। लोग नॉर्मली ज्वेलरी को बेचना पसंद नहीं करते काफी केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि आप ज्वेलरी को एक्सचेंज नए डिजाइन के साथ कराना चाहेंगे। तो नए डिजाइन के लिए आप मेकिंग चार्जेस को याद रखिए, तो आप उसको चेंज कराना चाहेंगे। जब आप उसको चेंज कराना चाहेंगे तो आपको उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी उसमें। वो काफी सारे, जैसे मैंने नग का आपको एग्जांपल दिया, स्टोन्स की वैल्यू कम हो जाएगी और मेकिंग चार्जेस करके कुछ और कम कर देंगे, उसको मेल्ट करने का कुछ बहाना बनाएंगे ज्वेलर्स के, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, पुरानी है ज्वेलरी, ये एक सबसे बड़ा बहाना होता है, पुरानी है। तो पुरानी होने से कोई गोल्ड का जो रेट कम नहीं हो जाता, अगर वो मान लीजिए उसके ऊपर थोड़ी सी वो काली खा गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल्ड नहीं है, वो क्लीन करने से गोल्ड ही है वो। लेकिन कुछ और 10 तरह के बहाने बना के आपकी जो ज्वेलरी है उसकी अगर वैल्यू 2 लाख है, तो हो सकता है आपको सिर्फ 1,80,000 मिले उसके अंदर। उनके पास काफी सारे बहाने होते हैं ज्वेलर्स के पास उस वैल्यू को कम करने के। तो आप 2 लाख की ज्वेलरी लेके गए, 1,80,000 आपको वहां पे उसको एक्सचेंज करने में मिलेंगे। फिर उस केस में आप जब नया डिजाइन बनवा रहे हैं तो आप फिर से मेकिंग चार्ज और आप उसमें वेस्टेज फिर से देंगे। तो मोटा मोटा आप हिसाब लगाएंगे तो 2 लाख की वैल्यू सिर्फ 1.5 लाख रह जाएगी। तो अगर आपकी एप्रिसिएशन हुई है 25% गोल्ड प्राइस में, और अगर आप उसको ज्वेलरी की फॉर्म में रख रहे हैं, तो आप ये हिसाब लगाइए कि आपको कुछ नहीं बचा उसके अंदर। आपने वो जो सारी एप्रिसिएशन है वो आपने सुनार को या ज्वेलर को दे। तो आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शायद आप इसके ऊपर आपको हंसी भी आए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम छोटे थे तो हमारे वहां पे एक सुनार आता था, जो चलता फिरता सुनार होता था। तो वो आता था और सब लेडीज को बोलता था कि अगर आपको अपना सोना धुलवाना है तो आप मेरे पास लाइए, मैं फ्री में करके दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम लेडीज को नहीं समझ, उनको लगता वाह भाई वाह, क्या फ्री की सर्विस है, सोशल सेवा हो रही है। तो वहां पे लेडीज, मुझे आज भी याद है, लेडीज सब मोहल्ले की लेडीज जो हैं वो आती थी अपनी अपनी ज्वेलरी लेके। तो वो एक सोल्यूशन होता था उसके पास, जो मुझे बाद में पता लगा कि एक एसिडिक सोल्यूशन होता है, वो उसके अंदर वो डालता था और एकदम ज्वेलरी जो है चमचमाती हुई निकलती थी। और सब लेडीज बहुत खुश कि भाई हमारी फ्री में जो सोना है वो धुल गया। तो शाम को जब मेरे पापा आते थे तो मेरी मम्मी बताती थी, देखिए आज सुनार आया था एक और उसने फ्री में ये धुलवा के दी। अब उस टाइम पे हम लोगों को इतनी समझ नहीं होती थी कि इसमें क्या होता है। बाद में जब एक ज्वेलरी को हम किसी कारण से एक्सचेंज करवाने गए तो पता लगा कि उसका जो वेट है वो कुछ ग्राम कम हो गया है बार बार धुलवाने से। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी सुनार के पास जाएंगे, ज्वेलर के पास जाएंगे, तो वो आपको क्लीनिंग जो है वो फ्री में करके दे। तो ये जो गोल्ड ज्वेलरी है ये मैं आपको फ्री में धुलवा के दूंगा। आपको लगेगा कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छा ज्वेलर है, बहुत अच्छा सुनार है, हमारी मतलब कितना ध्यान रखता है, हम उसके कस्टमर है, हमारा कितना ध्यान रखता है। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, और जो गोल्ड के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं सुनार हूँ और मैंने ऐसे 100 पीस हफ्ते में महीने में धोए, तो मैं आराम से उसके अंदर 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए तक का सोना वहां पे बना लूंगा फ्री में, मुझे सिर्फ फ्री में धो के देना है। तो इसलिए जो है आप कभी भी अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से ना धुलवाएं किसी ज्वेलर के पास या सुनार के पास। उसको साफ करने के घर में भी कई तरीके होते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप घर में उसको साफ करिए, कई और तरीकों से आप उसको बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। लेकिन जो अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में उसको धुलवाएंगे, तो आप एक दो बार धुलवाने के बाद उसका वेट फाइंड आउट करिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना लॉस हुआ है। वो एक धुलवाई आपको कई हजार रुपए की पड़ेगी, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमारा फ्री में हुआ है। तो ये पॉइंट मैं लास्ट में शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है इस पे हंसी आए, रोना आए, दुख हो कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अगर आपने कोई ऐसी ज्वेलरी धुलवाई है सुनार से, तो आप अभी उसको वेट करके देख लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने ऐसे 7 पॉइंट्स की चर्चा करी जिससे आप जो ज्वेलर हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, या आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 7 पॉइंट पसंद आए होंगे। आप ये वीडियो अपने मित्रों परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, फीडबैक या सुझाव है, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर